एक और बड़ा प्लेयर आ सकता है हमारी इंडियन सुपर लीग में आफ्टर द र्यूमर्स ऑफ जेसन कमिंग्स। कौन है वो बड़ा प्लेयर जो आएगा उनके बाद? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बारी आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल एंड यूरोपियन फुटबॉल की डेली अपडेट्स मिलती रहती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम सब ने सुना कि जेसन कमिंग्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप में खेले थे, वो आना चाहते हैं इंडिया में एंड ज्वाइन करना चाहते हैं मोहन बगान को। बट आज जो न्यूज़ मिली है वो भी उतनी ही बड़ी है, क्योंकि ईरानियन डिफेंडर, ईरान की नेशनल टीम के डिफेंडर रूसबे चेशमी, 29 ईयर्स ओल्ड डिफेंसिव मिडफील्डर, जो कि ईरान के लिए वर्ल्ड कप में भी खेले हैं, एंड गेस वॉट, ही स्कोर्ड अ गोल अगेंस्ट वेल्स इन ईरान वर्सेस वेल्स। अगर आपने ईरान वर्सेस वेल्स का मैच देखा हो इस वर्ल्ड कप में जो अभी हुआ था कतर में, उसमें उन्होंने गोल भी मारा था। एंड अभी वो पर्शियन प्रो लीग में खेल रहे हैं, प्रो लीग डिवीजन में खेल रहे हैं। बड़े बड़े वो ईरानियन क्लब्स के लिए भी खेले हैं, जैसे कि पर्सेपोलिस। अगर आप नहीं जानते तो पर्सेपोलिस इज़ वेरी गुड क्लब ऑफ ईरान, उन क्लब्स के लिए खेल चुका है वो प्लेयर, एंड सिर्फ 29 ईयर्स की एज। गेस वॉट, एक ये एज ऐसी होती है जिसमें डिफेंसिव मिडफील्डर अगर आप हो तो आप अपनी पीक पे होते हो, प्राइम पे होते हो। अगर हम इसको रिलेट करें, फैबिनियो लिवरपूल के डिफेंसिव मिडफील्डर, हम सबको पता है वो भी 29-30 की एज में ही है। कैसेमीरो इज द प्राइम एग्जांपल, वो भी 30 की एज में है। तो 29-30 ईयर्स की एज में अगर आप डिफेंसिव मिडफील्डर हो तो आप प्राइम में होते हो अपने। एंड रूसबे लिंक हो रहे हैं हमारे दो बड़े बड़े क्लब्स से ISL के। वेल, वो दो क्लब्स कौन से हैं वो अभी एक जानने वाली बात है, उस पर कोई क्लैरिटी नहीं मिली, उस पर कोई आर्टिकल भी नहीं है एज सच। बट जो ये न्यूज़ क्रैक करी है वो काफ़ी एक रिनोन जर्नलिस्ट ने करी है, तो टॉप टीयर जो सोर्स होते हैं उन्होंने करी है। बट लेट सी कि क्या होता है उनके केस में। वहीं पे अगर मैं जेसन कमिंग्स के ऊपर आऊँ तो जैसे जेसन कमिंग्स की भी जो डील है ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, जो म्यूचुअल एग्रीमेंट है वो दोनों क्लब्स का हो चुका है, एंड प्लेयर के तौर पे भी हो चुके हैं क्लब और प्लेयर के एग्रीमेंट्स। बट जो लीगल इश्यूज होते हैं थोड़े, पासपोर्ट, वीज़ा वीज़ा, वो सब थोड़ा उसके वजह से अभी अनाउंस नहीं कर पा रही मोहन बगान। बट लेट सी कि कब अनाउंस होता है। बट एक और सुपरस्टार हमारी इंडियन सुपर लीग में आने को बेकरार है, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप देख सकते हो ISL की। बट वहीं पे अगर मैं दूसरी न्यूज़ के बारे में थोड़ा ध्यान डालूँ, तो फाइनली कल वो दिन आ गया है जब हमारी इंडिया अंडर 17 की टीम फेस करेगी एटलेटिको मड्रिड अंडर 16 की टीम को। बिबियानो फर्नांडिस की इंडिया अंडर 17 की टीम इज रेडी टू गो। दे आर वेटिंग के कब हम जायंट्स को खेलेंगे वर्ल्ड के। जब भी हम जायंट्स की बात करते हैं तो उसमें रियल मड्रिड की टीम, उसमें एटलेटिको मड्रिड की टीम जरूर आती है। एंड 19 अप्रैल इज द डे, कल हम देखेंगे इंडिया अंडर 17 वर्सेस एटलेटिको अंडर 16 को। वेल, कहाँ पे ये टेलीकास्ट होगा मैच, एज सच कोई अभी न्यूज़ नहीं मिल पा रही है। बट यस, अगर कल की लाइनअप की थोड़ी सी बात करूँ मैं, तो जो हमारे अटैकर हैं शाश्वत, उनको देखने वाली बात होगी कि वो कैसे खेलते हैं, क्योंकि बहुत ही यंग है वो। वेल, पूरा स्क्वाड ही हमारा यंग है। बट अगर मैं परमवीर, जो हमारे लेफ्ट बैक है, उनकी बात करूँ, वो भी बहुत ही ज़्यादा यंग है। तो इन दोनों के ऊपर मेरी स्पेसिफिक नज़रें रहेंगी। बट AIFF, कम ऑन यार, इतना बड़ा मैच है एक इंडियन फुटबॉल के लिए, कहीं तो टेलीकास्ट करो यार, कहीं तो लिंक हमारे को दे देना, हम लिंक पे ही देख लेंगे। वेल, अगर कोई भी लिंक आता है या कोई भी अपडेट आती है कि इंडियन फुटबॉल के यूट्यूब चैनल पर ये मैच आएगा या ट्विटर पर आएगा, कहीं पर भी आएगा कोई लिंक आता है, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में अपने यूट्यूब के चैनल की। वेल, यही थी आज की न्यूज़। वेल, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। टिल देन, पीस आउट।